वाणी प्रभु की सबको बोले, वाणी प्रभु की सबको बोले। बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन मान सेवक जन मान परतख गुरु निस्तारे आवो सिख सतगुर के प्यारे गावो सच्चे बाणी बाणी त गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिनको नदुर कर्म होवे हृदय तिना समाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप हो सारंग पानी कहे नानक सदा गावो सदा गावो यह सच्ची बाणी आनंद गुणी निधान गुरु गरीब नवा साहिब ने माने आके मार तनवा गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। गुरु प्यारी साध संग जी फतेह दी सांझ करो। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला साढ़े परम पूजनीय अज मैं याद करना चाहांगा प्रिंसिपल बलदेव सिंह साहब नू। बहुत पंथ दे सुरीले कीर्तनीय साढ़े आइडियल साढ़े कीर्तनीय हो सकते हैं, साढ़े रोल मॉडल साढ़े कीर्तनीय हो सकते हैं।
प्रिंसीपल दयाल सिंह होर दे शिगिर्द मेरे सत्कारयोग भाई साहब बैठे ने। अगर असी अपने कीर्तनियां तो सीध लवांगे तो गुरु नाल गुरु के शब्द नाल गुरु के शब्द के अंग नाल गुरु के शब्द के कीर्तन नाल जुड़े रहांगे। और अगर असी गज़ल वालों तो शास्त्री संगीत वालों तो उन्हां तो सीध लवांगे तो शायद गुरु के कीर्तन संघ उन्ने ना रह सकीए। 12वीं सदी विच जयदेव होए 12वीं सदी विच गुरु नानक पातशाह दा असी की मना रहे हैं 550 साल 21वीं सदी च असी 21st सेंचुरी च असी प्रवेश कर गए हैं। 15वीं सदी च गुरु नानक हुंदे ने और अपने तो पहला दो सदियां पहला भगत जयदेव उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज करदे ने। किस किस राग विच? राग मारू विच, राग गुजरी विच दो शब्द। शेख फरीद जी 12वीं सदी च होए उन्हां दी बाणी दर्ज कर रहे ने राग सूही ललित विच। होर किसी संत भगत की बाणी गुरु साहिबान की बाणी इस राग विच नहीं है। इस करके भाई करमजीत सिंह जी शांत जिन्हां ते गुरु ने आप कृपा करके समागम करवा रहा है ये भी बख्शिश नाल ही नसीब हुंदा है। नहीं तो कन्न रस प्रधान हो रहा है गुरु के रागों तो गुरु की विरासत तो असी दूर जा रहे हैं। 12वीं सदी के उन्हां संतां भगतां की बाणी नू गुरु रूप बना के शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किया। और राग की परंपरा वेख लो कि 12वीं सदी 11वीं सदी कई सदियों तो चली आ रही सी और उस परंपरा के वारस बनाया है गुरु साहब ने सानू सिखां नू। आवो सिख सतगुर के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी और नाल गुण गोबिंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नू क्लैसीफाई कर दिता 31 रागाज विच। तत्क्रेव जी तुसी देख रहे हो ना ये राग की परंपरा गुरु साहब ने चलाई है। असी गुरु नानक की उस परंपरा के वारस हाँ कीर्तनीए उस परंपरा के वारस ने। अगर गुरु का रागी है तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि जो मेलोडीज जो राग सानू गुरु साहब ने प्रदान किए ने असी उन्हां दा प्रचार करना है। राग का प्रचार नहीं करना राग विच शब्द का कीर्तन करना है। साडे शब्द का कीर्तन रागात्मक है केवल राग प्रधान नहीं साडा कीर्तन शब्द प्रधान है। शब्द साडा गुरु है क्योंकि चिरंजीवी ने राग चिर सदीवी ने और बाणी भी सर्वकालिक है एटरनल है जागत जोत है। इस करके कंबीनेशन होया अदरवाइज किसी तरह भी जिमें कि अजकल हो रहा है कोई गज़ल अंग तो गा रहा है कोई गीत अंग तो गा रहा है कोई फिल्मी गीत तो गा रहा है पर गुरु साहब ने सानू की आख्या कि रागों में जो उपर मैं अंकित कर दिता उस राग में गायन करो। सिख रहत मर्यादा सिख कोड ऑफ कंडक्ट तुसी देखिया होना सिख मर्यादा पढ़ी होनी है उस विच साफ लिखा है कि कीर्तन उसनू आखते ने जो बाणी नू रागां विच गायन किया जाए। बाणी नू गायन रागां विच करना सारे कीर्तनी ही किसी ना किसी राग विच करते ने। बहुत सुरीला कीर्तन हो रहा सारे पासे साडे कीर्तनी बहुत मेहनत कर रहे ने। बस बेनती यह है कि जो गुरु साहब ने अंकित किए ने असी उस दे वारस हाँ आप उस विरासत नू अगा ले जाइए। साडे गुरु ग्रंथ साहब के राग भारतीय संगीत वालिया ने नहीं गाने भारतीय संगीत के घराणिया ने नहीं गाने ये सिख घराणिया नू सिख कीर्तनकारा नू ही गाने ने। पंचम पातशाह दा शब्द है ना मेरा मन लोचै गुरु दर्शन ताई उस विच भी सहाओ स्थाई की है राव की है
ਆਹ ਕੋਲੀ ਜੀ ਉਹ ਕੋਲ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਵਾਰੀ ਸਬਦ ਸੁਭਾ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਵਾਰੀ ਜਿਓ ਵਾਰੀ ਸਬਦ ਸੁਭਾਵਣਿਆ ਵਾਰੀ ਜਿਓ ਵਾਰੀ ਸਬਦ
सो हर गुण बखाने गुरु का शब्द नाम निशाने सबना का सबना का दर लेखा सच झूठ सुनाम सुहावनिया मन मुख पूला पार न पाए जम दर बंधा चोटा खाए बिन नावे को संग न साथी मुकते ना सब दे सुहावनिया
वाणी प्रभु की सबको बोले, वाणी प्रभु की सबको बोले।